लगायो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में जय महावीर। हाँ सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगो लेगा। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगो लेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। महावीर का चिन्ह शेर हम सब में शेर सी शक्ति है। हम सब में शेर सी शक्ति है। हम सब में शेर सी शक्ति है। लेकिन प्रेम अहिंसा ही महावीर की सच्ची भक्ति है। महावीर की सच्ची भक्ति है। महावीर की सच्ची भक्ति है। महावीर का चिन्ह शेर हम सब में शेर सी शक्ति है। लेकिन प्रेम अहिंसा ही महावीर की सच्ची भक्ति है। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में जय महावीर। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में शस्त्र कभी नहीं तोलेगा। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में कभी ना तोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। दिगंबर हूँ या श्वेतांबर आपस में हम भाई हैं। आपस में हम भाई हैं। आपस में हम भाई हैं। हमने एकता की शक्ति सारे जग को दिखलाई है। सारे जग को दिखलाई है। सारे जग को दिखलाई है। चाहे दिगंबर हूँ या श्वेतांबर आपस में हम भाई हैं। हम
हमने एकता की शक्ति सारे जग को दिखलाई है, अन्याय से लड़ने के लिए। एक दूजे के संग में हो लेगा, अन्याय से लड़ने के लिए एक दूजे के संग में हो लेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। अहिंसा के प्रेमी, नहीं कायर जो हम डर जाएंगे, नहीं कायर जो हम डर जाएंगे, नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। देव शास्त्र गुरुओं के लिए मरने से भी ना घबराएंगे, मरने से भी ना घबराएंगे, मरने से भी ना घबराएंगे। हम हैं अहिंसा के प्रेमी, नहीं जो हम डर जाएंगे, देव शास्त्र गुरुओं के लिए मरने से भी ना घबराएंगे। धर्म तीर्थ पर वाच जो आई तो धर्म तीर्थ पर वाच जो आई तो खून हमारा भी खौलेगा। धर्म तीर्थ पर वाच जो आई तो खून हमारा भी खौलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जय जय महावीर बोलेगा, जय जय महावीर बोलेगा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जय जय महावीर बोलेगा, जय जय महावीर बोलेगा, जय जय महावीर बोलेगा। तीर्थों पर कोई आंच भी नहीं आ सकती, कह देना उंगली उठाने वालों से कि सरधना में वीर विशाल धवल सेना है। बल कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की, बल परम प्रभु भगवान की, बले श्रवण संस्थ के कीर्ति कलश भारत की, जय विभूति आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की, बले परम पूज्य साक्षात विराजमान आचार्य भरत भूषण जी गुरुदेव की। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। जब भी पुकारू मामा तेरे सहारा, तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। और बाबा जब भी पुकारू बाबा तेरे सहारा, तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। संग हमारे कौन चले, चलोगे तो कौन चलेगा, तुम ना चलोगे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे स...
सबके दिलों पर राज करने वाले संगीत सम्राट, भारत के सबसे बड़े जैन भजन गायक, आप सभी के बीच आवाज देता हूं तालियों के प्रतिसाद के साथ, द वन एंड ओनली रूपेश जैन। ये अंध समर्थन बंद करो, सरकारों को चेताओ, अब अंध समर्थन बंद करो, सरकारों को चेताओ। हर जैन तीर्थ पर संकट है, जैनों अब तो जग जाओ। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो जन वहाँ अनाधिकृत अधिकार जताए बैठे, अधिकार जताए बैठे, अधिकार जताए बैठे, जो जन वहाँ अनाधिकृत अधिकार जताए बैठे, अधिकार जताए बैठे, अधिकार जताए बैठे, प्रभु के मूल चरण चिन्हों को छल से छुपाए बैठे, छल से छुपाए बैठे, छल से छुपाए बैठे, गिरी पे असंवैधानिक नव निर्माण कराए बैठे, गिरी पे असंवैधानिक नव निर्माण कराए बैठे, नेमीनाथ को दत्तात्रेय भगवान बनाए बैठे, भगवान बनाए बैठे, भगवान बनाए बैठे, उनकी हार होकर ही रहेगी, उनकी हार होकर ही रहेगी, सुन ले देश ये सारा, नेमीनाथ का मोक्ष धाम हमें प्राणों से भी प्यारा। भाई रूपेश जी ने जिस प्रकार से 10 अप्रैल 2022 को श्री सम्मेलन शिखर के लिए एक गीत दिया था, एक प्रेरक गीत किया था कैलाश नगर दिल्ली में, जागो चेतो उठो जैनियो हो जाओ तैयार, आज फिर वही, आज वो गीत, मैं इस बात को बिल्कुल 100% कह सकता हूं, हम रहे ना रहे ये गीत सदैव अमर रहेगा। जब भी नेमीनाथ का जयकारा लगेगा, हम दर्शन का लाभ लेंगे, ये गीत हमारे हमें ऊर्जा देगा। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, श्री सम्मेलन शिखर के लिए हम सब ने प्रयास किए और वहां पर हमारे गजट नोटिफिकेशन के लिए ऑफिस मेमोरेंडम लाया गया। अभी बात चल रही थी हमारी सांस आखिरी हो, अरे जब भी शिखर जी को जरूरत होगी हमारी हर सांस वहां होगी। हम रहे ना रहे श्री सम्मेलन शिखर की पवित्रता रहेगी। अभी वहां पर गज रोपवे की घोषणा की गई, हमने घोषणा की है हम मर जाएंगे लेकिन वहां पर पर्यटन के नाम पर रोपवे की एक कील नहीं गड़ने देंगे। कोमल है तन पर चर्या सुदृढ़ है, कोमल है तन पर चर्या सुदृढ़ है, अटल हिमालय सा हर एक नियम है, अटल हिमालय सा हर एक नियम है, कोमल है तन पर चर्या सुदृढ़ है, अटल हिमालय सा हर एक नियम है, परंपरा विपरीत नहीं जय गुरु, ये जैन धर्म की राष्ट्र की जिसमें छुपी पहचान, तोता रहे नजरों को हमेशा तेरा एक नजारा, तू लगता है प्यारा है, तू लगता है प्यारा, क्यों भाग्य की मुझको चिंता, तू है मेरा भाग्य विधाता, क्यों भाग्य की मुझको चिंता, तू है मेरा भाग्य विधाता, नहीं भाग्य की मुझको चिंता, तू है मेरा भाग्य विधाता, नहीं भाग्य की मुझको चिंता, तू है मेरा भाग्य विधाता, जो लिखा नहीं किस्मत ने तुझसे लिखवा ले जाता, जो लिखा नहीं किस्मत ने तुझसे लिखवा ले जाता, मुझको मिला औकात से ज्यादा,
मुझको मिला औकात से ज्यादा, हर पल तेरे द्वारा तू लगता है प्यारा, हाय तू लगता है प्यारा, ओ तू लगता है प्यारा, हाय तू लगता है प्यारा। जय जिनेंद्र। नमोकार चैनल के सभी दर्शकों को रूपेश जैन का नमस्कार और जय जिनेंद्र। आज हम सभी हैं सरधना नगर में, जहां आज एक बहुत ही सुंदर भक्ति संध्या एक शाम तीर्थंकरों के नाम इसका आयोजन हुआ। हमारे वीर विशाल धवल सेना के सभी युवा साथियों के द्वारा एक बहुत ही शानदार बहुत ही भव्य भक्ति संध्या का आयोजन हुआ। मेरा सौभाग्य है कि पिछले अनेक वर्षों से लगातार मैं इस पद्म प्रभु भगवान के इस बड़ा मंदिर चौक में इस हमेशा अपनी भक्ति संध्या के लिए यहाँ पर उपस्थित होता रहा हूँ। इस बार भी ये मौका मुझे लगा और विशेष रूप से आज की जो भक्ति संध्या का उद्देश्य था वो एक शंखनाद की तरह था कि पूरा जैन समाज जागृत है और अपने तीर्थों और तीर्थंकरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। अब जो गिरनार के ऊपर संकट है उस संकट को शीघ्र से शीघ्र दूर करने के लिए और हमारा जो अधिकार हमें मिलना चाहिए उसके लिए पुरजोर जो प्रयास हमें करने चाहिए बस उसकी प्रेरणा देने के लिए ये भक्ति संध्या समझिए आज यहाँ आयोजित हुए, जिसमें पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। तो आप सब भी नमोकार चैनल से जुड़े रहिए, सारे धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहिए और ऐसी ही धर्म प्रभावना करते रहिए। आप सबको भी और नमोकार चैनल को भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, धन्यवाद। आज सरधना में श्री वीर विशाल धवल सेना द्वारा 19 नवंबर का प्रोग्राम करा गया। सुबह श्री पद्म प्रभु भगवान बड़े मंदिर में सरधना में पालकी यात्रा का आयोजन है, जो बहुत ही भव्य रूप से निकली। पूरा नगर भ्रमण हुआ और बहुत भव्य रूप से हुआ। और उसके बाद शाम का जो प्रोग्राम हुआ एक शाम तीर्थंकरों के नाम, वो भी बहुत भव्य रूप से हुआ, जिसमें पूरे पंडाल पूरी तरह भरा हुआ था, जिसमें जो दो सिंगरों का प्रोग्राम हुआ सोनी सिस्टर और भाई रुपेश जैन जी। रुपेश जैन जी ने गिरनार के ऊपर जो भजन नई अपनी रचना सुनाई है वो एक आदित्य थी, बहुत ही सुंदर रचना जो उन्होंने लिखी। एक एक शब्द उनके ऐसे थे जो गिरनार के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं और हमारे लिए सोचने हैं कि हम उस पर काम करें आगे और गिरनार को अपना वापस लेकर रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 19 नवंबर के दिन सुबह पालकी यात्रा की गई, जिसमें पद्म प्रभु भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर पद्म प्रभु भगवान की अष्टधातु की मूर्ति को नगर में भ्रमण कराया गया, जिसमें पालकी को युवाओं के कंधों पर शुद्ध वस्त्रों में निकाला गया और बाद में बैंड बाजों के साथ वापस प्रासुक तरीके से भगवान को विराजमान कराया गया। और शाम को एक शाम तीर्थंकरों के नाम एक अपना आयोजन रखा गया, जिसमें भक्ति संध्या में श्री रुपेश जैन जी और सोनी सिस्टर्स का आयोजन था, जिसमें यह आयोजन हमारा अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पण था और ये उन लोगों के लिए था जो इधर उधर अपनी श्रद्धा को लुटाए हुए हैं और रागी द्वेषी देवी देवताओं में लगे हुए हैं। सबको हमारा आयोजन का मकसद था कि उन सभी को वहाँ से ध्यान हटाकर अपने मात्र वीतरागी देवशास्त्र गुरु के समर्पण में लाएं और अपनी श्रद्धा को मात्र अपने वीतरागी गुरु देव शास्त्रों के चरणों में रखें, जिससे कि हमारे तीर्थों की भी रक्षा होगी और आने वाले समय में हम एक अपने जैन धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय, लाल बाबा पद्म प्रभु भगवान की जय। आज सरधना के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, सर्वप्रथम सुबह एक भगवान की पालकी यात्रा जो चौक बाजार सरधना में निकाली गई, जिसमें 108 युवाओं ने भगवान को अपने कांधों पर नगर भ्रमण कराया। उसके तत्पश्चात शाम को एक विशेष सुंदर भक्ति संध्या, जिसमें हमारे बीच कई गणमान्य अतिथि, गणमान्य शहर नगर हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका सभी का साधुवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, जिसमें मवाना, खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली आदि कई शहरों से लोग हमारे बीच उपस्थित थे। सभी ने रुपेश जैन जी का भजनों पर दशास्वादन किया और साथ रही सोनी सिस्टर, जिन्होंने भी एक जैन धर्म के लिए अलौकिक सभी युवाओं को झुमाने का कार्य किया। आज की भक्ति संध्या वास्तव में अपने आप में एक अलौकिक भक्ति संध्या थी। नमोकार चैनल जो कि पूरे देश में एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं,
जो जैन धर्म की पताकों को सच्चे देव सतगुरु के चरणों में समर्पित है और धर्म के लिए ही कार्य करता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।